गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर आप लोगों के सामने एक करेंट अफेयर्स का नया टॉपिक लेकर आज फिर से डिस्कस करेंगे। आप लोग तो चीता के बारे में जानते होंगे, उसी के संबंध में आज हम डिस्कस करेंगे। इधर हाल की न्यूज में कुछ दिन पहले चीता को लेकर भारत में बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जो चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है इसके बारे में हम बताते हैं। तो चीता जो है एक ICUN एक संस्था है जिसके द्वारा भारत में 1952 से ये जो संस्था है चीता को विलुप्त श्रेणी के तौर पर घोषणा किए थे। उसके बाद से अब तक भारत में चीता का दिखाई नहीं दिया है। अब जो है 75 साल के बाद लगभग अफ्रीकन महाद्वीप का दो देश है, एक है दक्षिण अफ्रीका और एक है नामीबिया। नामीबिया अफ्रीकन महाद्वीप का दो ऐसे कंट्री हैं जहां से दक्षिण अफ्रीका से लगभग 10 और नामीबिया से 3, कुल 13 चीते जो है भारत में लाया जा रहा है, जिसको भारत में कहां पर शिफ्ट किया जाएगा तो आप लोगों को बोर्ड के सामने दिखाई दे रहा है। भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जो कि इस क्षेत्र में कुनू राष्ट्रीय उद्यान है, यहां पर जो कि श्योपुर जिले में स्थित है कुनू राष्ट्रीय उद्यान। तो यहीं पर ये दोनों देश से जो 13 चीते लाए जा रहे हैं यहीं पर शिफ्ट किया जाएगा, जो कि इस राष्ट्रीय उद्यान जो है चीते के लिए जलवायु और भौगोलिक स्थिति के तौर पर अनुकूल बताया जा रहा है। कुनू राष्ट्रीय उद्यान के बारे में दो पॉइंट आप लोगों को ध्यान ये भी रखना है कि इस कुनू राष्ट्रीय उद्यान का अभी जो है 750 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ पर कुछ और जानवर भी पाए जाते हैं जो चौसिंघा हिरण के रूप में पाए जाते हैं, नील गाय के रूप में पाए जाते हैं, चीतल भी पाए जाते हैं, चिंकारा भी पाए जाते हैं। ये सब सभी जो है जानवर यहाँ भी पाए जाते हैं, जो कि जो चीते लाए जा रहे हैं उनके लिए कहीं ना कहीं भोजन के रूप में भी इनको सुविधा मिलेगी। एक चीज और है ध्यान देने के बाद कि भारत में जो 75 साल के बाद जो दिखाई देगी चीते, उसके पहले अंतिम बार 1947 में जिसमें भारत का विभाजन हो चुका था, तो अविभाजित मध्य प्रदेश जो है अविभाजित मध्य प्रदेश उसमें मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। इस राज्य में एक कोरिया जिले था तो अंतिम बार यहीं पर देखे गए थे चीता, उसके बाद अभी तक नहीं दिखाई दिए थे। इसीलिए भारत सरकार ने दोनों देश से कुल 13 चीते भारत में लाकर यहाँ पर उनको बसाया जाएगा, जो कि हम देखें तो जैव विविधता के दृष्टि से भी बहुत अच्छी मानी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीता को लेकर जो चर्चा का विषय बना हुआ था वो एग्जाम के दृष्टि से इन सभी बातों पर ध्यान रखना है। ठीक है, आज के क्लास यहाँ स्टॉपेज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।